इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें, क्योंकि रोड नंबर 9 लूथरा उसकी तरफ जाता है। अब तो कंफर्म हो गया, अब तो ये कंफर्म हो गया कि उस ऑटो में सासू माई है और वो लूथरा उसकी तरफ जा रही है। आपको कुछ चाहिए था? तुम? I'm sorry, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हम कब तक इन्हीं बात करते रहेंगे? देखिए, मेरा हाथ छोड़िए। खूब जानता हूँ तुम जैसी लड़कियों को, लड़के फंसाने के बहाने चाहिए, तुम्हें चांस चाहिए ना? लेकिन एक बात बताओ, ऐसे रोने की जरूरत क्या है? तुम नहीं समझोगे। अच्छा, बहुत खूबसूरत लग रही है। अच्छी लग रही है। तू कहाँ था? कहाँ था? तुम दोनों सच सच बताओ कि तुम लोग क्या खिचड़ी पका रहे हो? बेबी कर दो, जी मारी बैठी बैठी। शुक्रिया शुक्रिया। चले चले चले। बेबी, ये लव शव की बातें बाद में कर लेंगे, सबसे पहले ये सोचो कि इसका करना क्या है। इससे पहले कि इसके अंदर की माता जागृत हो जाए, इसको ठिकाने पे लगाना पड़ेगा। माँ, ये देख क्या बोल रहे हैं ये लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, इल्जाम नहीं कलंक लगा रहे हैं मुझ पर कि मैंने तुझे मारा। एक बेटे ने अपनी माँ को मारा। माँ, तू कहाँ चली गई? माँ, मुझे छोड़ के चली? नहीं, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। मैं भी आ रहा हूँ तेरे पास, मैं भी आ रहा हूँ माँ। मैं इस कलंक के साथ नहीं जी सकता माँ। मैं भी एक काम करता हूँ, मैं भी आत्महत्या कर लेता हूँ, क्योंकि तेरी तरह मुझे भी तैरना नहीं आता ना। मैं तेरे पास आ रहा हूँ, मैं भी आत्महत्या कर देता हूँ। हाँ माँ, मैं भी आ रहा हूँ तेरे पास, अभी क्या, मैं भी आ रहा हूँ। शांत हो जाओ भाई साहब, हम सबको हमारी गलती का एहसास हो गया है। आप लोग नहीं चाहते हो कि मैं आत्महत्या करूं? नहीं। तो आज के बाद मुझ जैसे आदर्श बेटे पर कभी भी इस तरह का कलंक मत लगाना कि मैंने अपनी माँ को मारने की कोशिश की। और अभी कभी अगर तुम लोग अपनी माँ से प्यार करते हो तो अभी कभी इनको यहाँ से उठाओ और मेरी गाड़ी में रखो, ताकि मैं इन्हें हॉस्पिटल ले जाऊँ और इनकी जान बचा सकूँ। जल्दी 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 उठाओ, अरे जल्दी करो, चलो जल्दी उठाओ, टाइम वेस्ट मत करो, चलो इस तरफ चलो चलो चलो। माँ माँ कुछ नहीं होगा तुझे, माँ माँ कुछ कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। बेबी कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अरे इसे खत्म कर देते हैं और क्या। बेबी, इसको सब कुछ पता चल गया है, इसने मेरा चेहरा देख लिया है, अब ये किसी को नहीं दिखनी चाहिए। एक काम करते हैं, इसे ना रोड पे फेंक देते हैं, अंधेरी रात है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और हम अपनी गाड़ी से सबको चल देते हैं। लोगों को लगेगा इतना अंधेरा है, कोई गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया और मर गई। आई थिंक दिस अ परफेक्ट प्लान। अरे व्हाट परफेक्ट प्लान? तुम अपना दिमाग कहीं बेच कर आई हो क्या? कुछ भी बोले जा रही हो। भूल गई तुम किस तरह से वो मछुआरे मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे, मुझ पर शक कर रहे थे,
कि मैंने इसको धक्का मारकर पानी के अंदर गिराया और मारने की कोशिश की। अब अगर हमने इसको गाड़ी के नीचे कुचल कर मार डाला फिर पता है क्या होगा? क्या होगा? मर्डर केस बनेगा। What? पुलिस छानबीन करेगी और छानबीन करते करते मछुआरे तक पहुंचेगी और फिर मछुआरे बोलेंगे, हाँ साहब जी यही दोनों थे, यही दोनों उस औरत के साथ थे, पानी में धक्का देके नहीं मार सके तो गाड़ी के नीचे कुचल कर मार डाला। तो तब तक क्या करेंगे? जो भी करेंगे पर मार नहीं सकते। क्या कहा था तूने? कि तू ऋषभ लूथरा से मेरी शादी नहीं होने देगी। But sorry to let you know, शादी तो हो रही है और कल ही हो रही है, अब क्या करूंगी? मोहिनी जी आ अंगूठी घनी सुंदर है। काली अंगूठी पहनो। अगर ये इंसान को छू गया ना तो उसकी जान ले लेगा। पहनो काली। कौन हो तुम? कौन हो तुम? तुम मेरे वेदांत नहीं हो सकते, नहीं हो तुम मेरे वेदांत। हैवान हो गए हो तुम। कितनी आसानी से तुमने संजू के पापा को यहाँ से कूदने को कहा। कल्याणी मैंने तुम्हें वही बताया जो मैंने देखा। रूम नंबर 203। इसे भी अंदर नहीं आने देंगे आप। ये आपके हृदय की आखिरी निशानी है। अपनी पोती को भी नहीं आने देंगे इस घर में। पोती? बहुत आग लगी थी ना तुझमें मुझे छोड़कर उस जवान लौंडे के पास जाने की। हुआ अंकल आंटी मुझे तनुष का एड्रेस चाहिए। वो वेदिका जी को जबरदस्ती घर से ले गया। नहीं मिलेगा एड्रेस, ढूंढना है तो खुद ढूंढ लो अपनी बीवी को। तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखिए। आप लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा ना ही है और ना ही कभी हो सकता है। गुड्डन और मेरे बीच में जो रिश्ता है वो एक आम पति पत्नी का रिश्ता नहीं है। ये गुड्डन सिर्फ सास और बहू का ही नहीं पत्नी का रिश्ता निभाना भी नहीं जानती। और जब तक तू खुद को अच्छी पत्नी साबित नहीं कर सकती तू जिंदल परिवार का हिस्सा नहीं बन सकती। इसीलिए आज से तू खुद को गुड्डन जिंदल नहीं गुड्डन गुप्ता कहेगी। इस नई चुनौती का कैसे सामना करेगी हमारी गुड्डन? हम वादा करते हैं हम तुम्हारे सामने नहीं आएंगे, तुम्हारे पास नहीं आएंगे, हम तुमसे बात भी नहीं करेंगे। तुम दुबई मत जाओ ना, हम मर जाएंगे कभी। सारा को इस घर में ले आओ कभी। रमजान की पहली सहरी हम अपनी बहू के साथ करना चाहते हैं, सुना तुमने? और हम भी देखते हैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी की कितनी कद्र है। गुड़िया लगती हो तुम। सब लोग मुझे बचपन से डॉल बुलाते हैं लेकिन कभी किसी ने गुड़िया नहीं बुलाया। आपने बुलाया तो कौन हो तुम? कौन हो तुम? तुम मेरे वेदांत नहीं हो सकते, नहीं हो तुम मेरे वेदांत। हैवान हो गए हो तुम। कितनी आसानी से तुमने संजू के पापा को यहाँ से कूदने को कहा। कल्याणी मैंने तुम्हें वही बताया जो मैंने देखा। रूम नंबर 203।